जी तो भाई इसके ऐसे लोग सब लोग आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या नीफर कैग पानी में भी देखने को मिल जाता है, क्या वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, मिथ के मुताबिक हम बॉर्डर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं ऐसे कुछ और मिथ टेस्ट करने के लिए। नंबर वन गाइस, इस मिथ के मुताबिक अगर हम एल्डर गार्डियन को मारते हैं तो भाई हमें एक विशेष प्रकार का ट्रिम देखने को मिलता है, बाकी भाई वो तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई वो सच है कि नहीं। तो आइए इसको मारकर खत्म करते हैं। सबसे पहले इसमें देखने वालों क्या ये क्रिएटिव में काम करता है, क्योंकि भाई अगर मैं क्रिएटिव में मारूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, अगर मैं सर्वाइवल में चला गया तो भाई ये मेरे को खत्म ही कर डाले। लेट्स गो, इसको मारते हैं। लेट्स सी भाई ये ड्रॉप करता है कुछ के नहीं, क्या दिया भाई, पंच दिया भाई एक सिर्फ। तो भाई एक और मैंने स्पॉन कर दिया, देखते हैं भाई इस बार तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा भाई इसको। लेट्स गो करते हैं, इसको मारते हैं एक बार और। और भाई ने तो कहा था कि भाई ये वर्क करता है, लेट्स सी देखते हैं। अगर बाकी आपके मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से मिथ की तरह करवाना चाहते हो भाई प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इसको अबे दिया इसने कुछ दिया भाई, दिया ये देखो इसने दिया स्मिथी टेम्पलेट टाई डार्मर ट्रिम। सो मैं अपने बेस पे आ चुका, आप फटाफट से इसको लगा कर देखते हैं कि भाई कैसा लगता है देखने में। सबसे पहले मैं रखने वाला हूँ अपना हेलमेट, वो भी रखने वाला सेंटर में, उसके साइड में रखने वाले हम अपने ट्रिम। तो उन्हें सबसे पहले भाई चेस्ट पे लगा कर देखते हैं, हेलमेट में तो अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, चेस्ट पे लगाने वाले इधर कोई भी और रख सकते हैं, तो मैंने ये रखते तो ऐसा कुछ देखने में लगेगा। अगर मैं ये गोल्ड रखता हूँ तो भाई ये गोल्ड का हो जाएगा ओबियसली। ये देखते हैं आयरन रख के दिखता हो तो भाई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, यानी भाई इससे डायमंड वाला तो भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर मैं लगाने बैठूंगा तो। इसको हर आर्मर में तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसको पहनते हैं सबसे पहले, वही आपके भाई ने पहन लिया और ऐसा कुछ देखने में लगने वाला है भाई जस्ट हो रहा है। लेकिन इसे लड़ाई करने के बाद और भाई इतना ज़्यादा डैमेज वेस्ट करने के बाद डायमंड तो इतना नहीं लगता है, यानी एक डायमंड लगेगा लेकिन फिर भी भाई काफ़ी ज़्यादा मेगा पड़ जाता है भाई। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है लेकिन अगर आपसे लड़ने जाओगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरी हाल से हार सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है अगर आपसे आर्मर का ट्रिम लेने जा रहे। लेकिन अगर फिर भी आपको जाना है तो भाई आप फुल प्रिपेयर होकर जाना कि आप उसको मार कर ही आओ। नंबर टू भाई, इस मिथ के मुताबिक हम डेजर्ट वेल के नीचे खोदते हैं तो भाई हमें एक स्पॉनर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि ऐसे हम जो फार्म भी बना सकते हैं। तो लेट्स टेस्ट भाई इसके नीचे चलते हैं फटाफट से। मैं तो क्रिएटिव में भाई यहां से कूद के चले जाते हैं, तो ऐसे कुछ नीचे जाते जाते हैं दो दो कर करते हैं भाई। आ गया भाई, पता नहीं स्केल्टन की आवाज आई है नीचे तो नहीं। लेट्स सी भाई, चलते जाना पड़ेगा भाई, स्केल्टन की स्केली की आवाज आई भाई। अब नहीं भाई यार, नहीं ब्रो इधर नहीं है, इधर नहीं है भाई, कसम से इधर नहीं है, क्योंकि मैं बेडरॉक तक आ चुका हूं, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। अब फटाफट से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो भाई कुछ नहीं है, मेरे को डर अलग लग रहा है भाई। सो गाइस आपके सामने देख पा रही हूँ भाई मैं डेजर्ट वेल से निकल रहा हूँ भाई, मेरे को तो कोई भी स्पॉनर देखने को नहीं मिला भाई, क्या पता कुछ अलग अलग सीन होता हो भाई उसमें से निकला है, मेरे में नहीं निकला। मतलब भाई ये मिथ जो है काफी ज्यादा बुरी तरीके से बर्ड हो चुका है ना, बस या फिर वो बर्थडे पार्टी या फिर वो डेट, भाई कैंडल तो हर जगह काम आती है। लेकिन भाई अगर इस मिथ ने वर्क किया तो भाई आपकी जो डेट या फिर बर्थडे पार्टी एकदम से दमदार होने वाली है, क्योंकि भाई इस मिथ के मुताबिक आप सबको पता है कि कैंडल के रंग जो है अलग अलग होते हैं, लेकिन इस का कहना है कि हम डिफरेंट टाइप की कैंडल को एक साथ बाइंड कर सकते हैं। बस सुनने में तो काफी ज्यादा लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से भाई हम कर सकते हैं, बाकी माइनक्राफ्ट के लॉजिक का तो आप सबको पता ही है। तो आइए फिर करके देखते हैं। सो मैंने ले लिए तीन कलर, अब इसको करते हैं बाइंड। लेट्स गो, सबसे पहले लगाने वाले रेड वाला, उसके बाद लगाएंगे ब्राउन। सॉरी भाई वीडियो के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक लाइक करना तो बनता है। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई ब्राउन तो लग नहीं रहा, इधर लग चुका है, अब ऑरेंज ट्राई करते हैं गाइस इसके साथ। नहीं गाइस यार नहीं लग रहा है, इसके साथ इसका ही लगेगा कुछ ऐसे करके, इसका जैसे लगने वाला है एक बार उसके ऊपर भाई, ये ही लग रहा है भाई, ये तो लगेगा नहीं। जैसा कि आप सबने देखा कि भाई ये तो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब दिस मिथ इज आई होप कि ये वीडियो माइनक्राफ्ट तक पहुंचे और इसको कंफर्म करवा दे। नंबर फोर गाइस, जैसा कि सबको पता है कि स्नीफर कैग पानी में भी देखने को मिल जाता है, वही पे भाई मिथ ये निकल के आता है क्या वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए मैंने एक यंत्र बनाकर रखा हुआ है, इसके अंदर बस स्नीफर को डालें और देखना कि भाई वो उसके अंदर डूबता है या फिर नहीं। फटाफट से चलते इसके अंदर, एग मैंने ले लिया भाई, किधर है इसका रास्ता है, इंटरेस्ट इसकी इधर रही, इसके अंदर चलते हैं, इसको इधर स्पॉन कर दिया, फटाफट से ऊपर चल भाई। तो मैं ऊपर भी आ चुका हूँ, लेट्स सी देखते हैं भाई, अब तक तो ये ठीक ठाक सांस ले रहा है, देखते हैं भाई। अबे भाई मरने लग पड़े, आपके सामने देख पा रहे कैसे इसको डैमेज पड़ने लग पड़ी है, अबे भाई मर भी चुका है यार। तो इसी के साथ हमारा ये मिथ भी बस हो चुका है, मुझे ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। नंबर फोर गाइस, ऑल यू नो, नेदर में मेड लगाना मतलब अपनी मौत को संदेशा देना, लेकिन क्या आपको पता है यही मौत का संदेशा आपके जीवन की संजीवनी भी बन सकता है। तो आइए बताता हूँ कैसे। इसके लिए सिंपली आपको बेड लेकर अपने पोर्टल के पास आ जाना, इसको कुछ ऐसे इसके अंदर लगा देना है, ऐसे लगाने के बाद इसको कुछ एज अ पोर्ट लीजिए और देख पा रहे हो आपका पोर्टल इग्नाइट हो चुका है।
So guys, this myth is confirmed क्योंकि इसके साथ आप कर सकते हो किसी भी पोर्टल को इग्नाइट विदाउट एनी फायर। नो बस इट गाइस, माइनक्राफ्ट में बारिश किसको भी पसंद है, होगी कुछ लोगों को, लेकिन भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए शायद ये मिथ जो है बारिश का भी निपटारा कर ही दे। तो इस मिथ के मुताबिक अगर हम स्टेन ग्लास के अंदर से देखेंगे बाहर बारिश की तरफ, तो भाई हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी हमारा जो मौसम है एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, मैंने एक छोटा सा हाउस बनाकर रखा है, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो भाई, इधर भी बारिश नहीं दिख रही है, इधर तो ग्लास नहीं लगाया मैंने इसीलिए, तो आप देख पा रहे हो बाहर बारिश दिख रही है, लेकिन भाई अंदर से देखने में बारिश बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कहना पड़ेगा भाई, दिस मिथ इज 100% कंफर्म। नंबर 7, आप सबने वुल्फ को तो टेम करके रखा ही होगा, नहीं किया तो एक मजे की बात बताता हूँ, आपका जो वुल्फ है हमेशा के लिए वर्क करने वाला है, क्योंकि इस मिथ के मुताबिक ऐसा ही होने वाला है। तो आइए कैसे बताता हूँ। उसके लिए सिंपली गाइस हमें स्लाइम लेनी है, उसके ऊपर अपना डॉग कुछ ऐसे करना है, उसके बाद इसको टेम करते हैं। इस मिथ का कहना है अगर हम उसे स्लाइम के ऊपर टेम करते हैं तो भाई हमेशा के लिए वर्क करता है। जैसे आप खुद देख पा रहे हो कि इसको बिठाते हैं फटाफट से टेम करके, अब पहले इसको टेम कर लिया, फटाफट से इसको बिठाते हैं, वो भाई बैठ जा और देखते हैं भाई बिठाकर, भाई बैठ तो रहा ही नहीं है भाई इस लाइन पे, कैसा टवक कर रहा है भाई ये। नहीं भाई मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, पीछे जाते हैं इसके थोड़ा, इधर जाते हैं, इधर से बिठाते हैं, नीचे से ग्राउंड से बिठाते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी कि हमारा वुल्फ तो बैठ ही रहा है भाई, तो वर्क तो दूर की बात है, तो इसका मतलब हमारा मिथ जो एकदम से बस्ट हो चुका है। नंबर 8 गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि भाई ये मिथ थोड़ा सा स्केरी हो सकता है, क्योंकि भाई ये रिलेटेड है हमारे वार्डन से। अगर गाइस आप लोग भी जाते हो वार्डन की सिटी में और भाई वार्डन को एकदम से हरा कर नहीं आ पाते, तो बस भाई ये मिथ आपके लिए, क्योंकि इस मिथ के मुताबिक हम वार्डन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी काफी इजीली। भाई इसको टेस्ट करना तो बनता है, तो सबसे पहले हमें करना होगा, हमें वार्डन को बुलाना होगा। गाइस उसके लिए ले लेना आपको एक्सपी वाली बोतल जो होती है ना, बोतल ऑफ चैंटिंग, उसको लेने के बाद आप कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, उधर फेंकते हैं भाई, इसके पीछे पीछे आता है, देखना ये देखो, ये एक्सपी के पीछे भागता है, देखना जरा ये देखो इधर लेके आऊंगा ना इसको, ये देखना इधर भी आएगा, ये देखो पर इधर आता जा रहा है, जिधर जिधर फेंकते जाऊंगा ना भाई, ये उधर आता नीचे आएगा भाई, मतलब भाई इसको भी अपना लेवल अपग्रेड करते रहना है। कह सकते हैं कि भाई ये मिथ थोड़ा सा वर्क कर रहा है, क्योंकि जिधर मैं फेंक रहा हूँ उधर आ तो रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा दूर फेंक देता हूँ कुछ ऐसे करके, भाई उधर नहीं जाता है, देख पा रहे हो उधर फेंक कर उधर नहीं जा रहा है। सो गाइस जैसे क्या सोने देखा है भाई ये वर्क कर रहा है, मतलब दिस मिथ इज कंफर्म। लेकिन भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जान के बाजी लगा कर इसके अंदर मत ही आ जाना। नंबर 9 गाइस, सबको पता है कि अगर ऊपर के ऊपर कुछ लगा देते भाई उसके अंदर सामान डालना एकदम से इम्पॉसिबल हो जाता है। वुड के ऊपर वुड फेंकते कुछ ऐसे करके देते इसके अंदर समा जाते, देख पा रहे हो कि ऐसे ऊपर ही रुक चुका था, मैंने कलेक्ट कर लिया। तो इस मिथ के मुताबिक अगर इसके ऊपर जो है हनी ब्लॉक या फिर मड रख देते हो भाई इजीली सामान अंदर जा सकते हैं, तो आइए ट्राई कर देखते हैं। तो गाइस इंटरेस्टिंग तो काफी ज्यादा लग रहा है, ट्राई करके तो देखना बनता है। तो इसके ऊपर लगाने वालों थोड़ा सा ऊपर हाइट हो जाए ना, तो चलते हैं। तो इसके ऊपर लगा दी पहले मड के ऊपर मैं फेंकने वाला हूँ चेस्ट कुछ ऐसे करके, अबे भाई साइड में चली गई, कलेक्ट कर लेते हैं वो, एक और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है अब फेंकते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं फेंकने वाला हूँ ऊपर से चेस्ट, वो चेस देख पा रहे हो अंदर जा चुकी है इसके, भाई देख पा रहे हो चेस इधर आ चुके हैं। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ हनी ब्लॉक, भाई मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा भाई ये मड के अंदर से, भाई मस्त भाई मस्त भाई, ऊपर से फेंकना था, चलो चलो ये फेंक दी, इसके अंदर भी जा चुकी है, वो देख पा रहे हो चेस भाई इसके अंदर आ चुकी है। सो गाइस दिस मिथ इज 100% करेक्ट, भाई आप इसको यूज कर सकते हो। नंबर 10 गाइस, ये मिथ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि भाई इसके अंदर हम जो है वैक्स को अपने एली की तरफ जो कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इसको टेस्ट करने के लिए, फटाफट से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्पॉन करने वाला हूं वैक्स, इसको पिलाने भाई हमें सिर्फ दूध पिलाने, इसको कुछ ऐसे करके दूध पिलाते हैं, देख पा रहे हो भाई मैं खुद पी जा रहा हूं, इसको पिला नहीं पा रहा हूं गाइस, जैसे देख पा रहे हो इसको पिलाता हूं, भाई पी क्यों नहीं रहा भाई, पी ले भाई बन जा भाई, एले बन जा हमारी भाई, किधर गया, अबे भाई ये खतरनाक वाला है भाई, ये नहीं बनेगा, सॉरी भाई मेरे को इम्पॉसिबल पहले लग रहा था भाई, इसने भी अब कह दिया। तो एज ए भाई हम जो अपने एले को पिलाकर देखते हैं भाई ये दूध पीता या फिर नहीं, तो फटाफट से इसको पिलाते हैं, भाई पी ले गाइस, और भाई इसने पकड़ लिया है, लेकिन भाई ये बन नहीं रही भाई, वैक्स बन जा, नहीं भाई फेंकते ये पकड़ के ले आएगी, देखा देने मालिक। सो गाइस दिस मिथ इज 100%। सो ओके गाइस आज की वीडियो यही तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।